और एक बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है 1:n का इस फॉर्म में कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर, फाइंड 1:n। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप लिखो भाई कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 किलोमीटर। जब भी आप 1:n का क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना, कीप इन माइंड कि दोनों साइड पर यूनिट को सेम होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे यूनिट को ऐसे ही रखें और बड़े को हम छोटे में ले आएँ। तो 5 किलोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे 5 × 1000, ये आ गया मीटर, और मीटर जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में। तो आपको मिल गया कि ये बराबर है 2:5, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास जब बनेगा तो दोनों साइड पर इसका यूनिट क्या बन चुका है? अब दोनों साइड पर इसका यूनिट बन चुका है सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में चाहिए होता है हमेशा 1:n, तो आप क्या करोगे, आप दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करोगे ताकि आपके पास 1 आ जाए। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा आपके पास 1 और ये आ जाएगा आपका 250,000। तो कभी भी आपका क्वेश्चन आए, अच्छा इसको हम कहते हैं ज़्यादातर ये हमारे पास स्केल ड्राइंग में आते हैं, मैप्स में आते हैं, जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि एक आपके पास एक्चुअल लेंथ है, आपको हमेशा सवाल में यूँ कहा जाएगा कि एक आपके पास एक्चुअल लेंथ है और एक आपके पास मैप पे लेंथ है। याद रखिएगा, जो भी मैप पे लेंथ होती है ना, वो हमेशा हमारे पास छोटी होती है और एक्चुअल साइज़ हमारे पास हमेशा बड़ा होता है। तो हमेशा कन्वर्जन फैक्टर करने के लिए हम दोनों साइड पे यूनिट को सेम करेंगे। सेम करने के बाद इसको 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसी नंबर से, ठीक है। एन का आंसर हमारे पास हमेशा इंटीजर्स में आना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि हमेशा छोटे को बड़े को हम छोटे में कन्वर्ट करें ताकि हमारा आंसर इंटीजर में आएगा डायरेक्ट।